सिवनी के शासकीय स्कूलों में शासन के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के दावे की पोल खुल रही है। कहीं दो माह से मिड डे मील बंद है तो कहीं आए दिन खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होने से बीच बीच में बंद करना पड़ रहा है। कुरई और बरघाट विकासखंड के शासकीय शाला आमाझिरी और घिसी में ये मामला सामने आया है। कुरई विकासखंड के ग्राम पंचायत पचधार के शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शाला आमाझिरी में करीब दो माह से मिड डे मील नहीं बन पा रही है। इसकी वजह से स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राओं को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा है। पालकों ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन सहित अधिकारियों से की है, लेकिन अभी तक मिड डे मील बनना शुरू नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि खाद्यान्न नहीं होने से इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है। प्रभारी प्रधान पाठक ईश्वर दयाल सूर्यवंशी ने बताया कि मैंने इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। बरघाट विकासखंड के शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शाला घिसी में जुलाई और अगस्त माह के मध्य तक बच्चों को मिड डे मील में खाना नहीं मिल पाया। इसके बाद शाला प्रबंधक समिति को मौखिक आदेश देकर BRCC ने चालू कराए, लेकिन आए दिन बीच बीच में ये बंद हो रहा है। अभी करीब सप्ताह भर पूर्व तक मिड डे मील उक्त स्कूल में बंद था। इस संबंध में प्रधान पाठक लोकेश कुमार ने बताया कि BRCC के आदेश के बाद शाला प्रबंधन समिति मिड डे मील बनवा रही है। बीच में खाद्यान्न नहीं मिलने से ये बंद हुआ है। BRCC ने खाद्यान्न उपलब्ध कराने की बात कही थी, उनके निर्देश के बाद पुनः खाद्यान्न मिला तो शुरू कर दिया गया। उन्होंने समूह की व्यवस्था करने की बात कही है, लेकिन अभी तक समूह की व्यवस्था नहीं हुई।